नमस्कार साथियों, सभी का वेलकम। देखिए दोस्तों, अपन बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित एसटीएफ एग्जाम के बारे में। आरपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। देखिए ऑफिशियल आंसर की दोस्तों, आपको पता है सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, सांख्यिकी से संबंधित क्वेश्चन है। सभी को पता है कि एग्जाम 19 फरवरी 2021 को हुआ था और 3 घंटे का पेपर था ये, टोटल 200 नंबर। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है आज का कि ये जो सब्जेक्ट है स्टडीज, ये संगणक और एएसओ में भी है। हो सकता है यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपको इस पेपर में से मिल जाए। और जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है एसीएफ का और जिनके ऑप्शनल सब्जेक्ट था सांख्यिकी, तो एक बार आंसर की मैच कर ले। ये आंसर की आरपीएससी द्वारा अपडेट की गई है और ये मॉडल पेपर है जो आरपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है। राइट पर्सन पे टिक लगा हुआ और कहीं टिक नहीं लगा हुआ है। ये मॉडल पेपर भी आरपीएससी पे अपलोड किया हुआ है। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। मात्र 10 मिनट में इस पेपर के आंसर की हो जाएगी क्लियर। जिन विद्यार्थियों ने स्टेटिस्टिक्स का पेपर दिया है, जिनके ऑप्शनल सब्जेक्ट था ये आरपीएससी द्वारा आयोजित एसएफ एग्जाम में, तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले प्रश्न का यह राइट आंसर क्या होगा? देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदि 5x - y = 22 और 64x - 45y = 24 हो तो प्रतिगमन रेखा ही हो, तो x तथा y के मध्य सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना था, या इंग्लिश दे सकते हैं कोरिलेशन ज्ञात करना है आपको। इसके लिए अपने पास इसका फॉर्मूला है, जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8/15। ऑप्शन एक यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी विद आंसर की विद सॉल्यूशन के साथ लेके आऊंगा। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट इसका ऑप्शन के आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा डायरेक्ट। दूसरे प्रश्न को डिलीट कर दिया गया दोस्तों। देखिए यहाँ डिलीट लिखा हुआ है, तो आरपीसी ने दूसरे प्रश्न को डिलीट कर दिया है, कोई भी आंसर नहीं होगा, इसके बोनस नंबर मिलेंगे सबको। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर -2 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, संगत। पांचवा क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा कि इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं और किन प्रश्नों का क्या आंसर होगा। पांचवे क्वेश्चन का भी कोई आंसर नहीं है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा, कोई परिवर्तन नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, ये प्रायिकता से संबंधित है, जिसे अभी इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं जिनकी पी ए नॉट इक्वल 0, पी बी नॉट इक्वल 0, जिन दोनों ही 0 है, ए और बी स्वतंत्र कहलाएंगे, उस कंडीशन में क्या होगा। ऑप्शन 2 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 8वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 9वें प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन 2। 10वें प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन 3। 11वें प्रश्न डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, यह राइट आंसर हो जाएगा 15/16। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन 1,
क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन दो, क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन तीन, क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन चार, क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन तीन। दोस्तों डायरेक्ट यहां आंसर बता रहा हूं मैं ताकि वीडियो लंबा ना बने और मात्र 5-10 मिनट में आप इस वीडियो को पूरा देख सकें। हो सकता है ऐसा एग्जाम संगणक भर्ती में यहां से कोई प्रश्न रिपीट हो सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन चार, 19 नंबर ऑप्शन चार, 20% का राइट आंसर ऑप्शन चार, 21% का ऑप्शन दो होगा मानक कोशी। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन, राइट आंसर भी तीन है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, ऑप्शन दो या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन दो, पच्चीस नंबर क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। छब्बीस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन तीन, 27वां का एक, 28 प्रश्न का ऑप्शन दो, 29वां का ऑप्शन चार, 30 का ऑप्शन एक, 31 का तीन। क्वेश्चन नंबर 32 है या राइट आंसर ऑप्शन तीन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन चार, क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन दो, 36 ऑप्शन चार, 37 ऑप्शन एक, 38 नंबर ऑप्शन दो, 39 का ऑप्शन एक, 40 का ऑप्शन तीन, 41 का ऑप्शन दो अनरूढ़ी, 42 का ऑप्शन एक, 43 का ऑप्शन दो, 44 का ऑप्शन चार हो जाएगा। समष्टियों के प्राचलों के आंकलन हेतु आगमन विधि का प्रतिपादन किसने किया था, इसका राइट आंसर कार्ल पियर्सन हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर होगा, 46 का ऑप्शन चार, 47 का ऑप्शन दो, 48 का ऑप्शन एक, 49 का ऑप्शन चार, 50 का ऑप्शन दो, 51 का ऑप्शन दो, 52 का ऑप्शन चार, 53 का ऑप्शन दो, 54 ऑप्शन दो, 55 का एक, 56 का तीन। सत्तावन का ऑप्शन चार, 58 का ऑप्शन तीन, 49 का ऑप्शन दो, 59 है, 59, 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन। 61 क्वेश्चन नंबर डिलीट कर दिया गया है, कौन कौन से प्रश्न डिलीट हुए वो भी आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन तीन टी परीक्षण, कैपिटल एनपी के, बहुत सर सामान्य बंटन, यह राइट आंसर हो जाएगा फीसर ऑप्शन एक, ऑप्शन चार, ऑप्शन दो, ऑप्शन दो, ऑप्शन एक, ऑप्शन तीन, ऑप्शन एक, ऑप्शन एक, ऑप्शन नंबर तीन, चार नंबर राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर, एक, 79 का टू हो जाएगा, 80 का वन हो जाएगा, 81 का वन हो जाएगा, 82 का फोर, 83 का वन,
83 का वर्ण, 84 का गुणोत्तर माध्य। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सूचकांक से संबंधित है इंडेक्स नंबर। ऑप्शन दो, दोस्तों ये राइट आंसर पहले से लगे हुए हैं, ये आरपीसी द्वारा आयोजित ऑफिशियल आंसर की है, जैसे कि 90 नंबर क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। 91 का ऑप्शन चार आ जाएगा, ऑप्शन तीन, ऑप्शन एक, ऑप्शन दो, ऑप्शन चार, ऑप्शन चार या तीन नंबर हो जाएगा या चार। 100 का हो जाएगा ऑप्शन एक, 101 का ऑप्शन एक, 102 का ऑप्शन दो, 103 का तीन, एक नंबर, दो, ऑप्शन चार। टोटल 120 क्वेश्चन था इसमें और 120 क्वेश्चन की ऑफिशियल आंसर की है जो आरपीसी ने जारी की है। हो सकता है नेक्स्ट भर्तियों में ये पेपर आपके काम आए। बहुत ही शानदार प्रश्न थे ये। 100 का एग्जाम होगा सेम इसी पैटर्न पे आधारित होगा। देखिए काले फेशन की विषमता गुणांक है और प्लस माइनस 10 होती है। एक 17 का ऑप्शन एक, ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, 20 संबंध गुणांक ध्यान देना इसमें, और 120 अंतिम प्रश्न ही है और राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन चार। दोस्तों ये थे 120 क्वेश्चन, कुछ प्रश्न डिलीट कर दिया गया है, चार या पांच, बाकी सबके आंसर की जारी कर दी है। दोस्तों बहुत जल्द ASO एग्जाम से संबंधित अपडेट न्यूज मिलती रहेगी। चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।